हेलो गाइस, वेलकम टू टेकिया सर्किटिव चैनल। एंड गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है, कल के दिन Redmi ने अपना नोट 11T 5G स्मार्टफोन इंडियन मार्केट में लॉन्च करा था। हमने वीडियो भी डाले थे, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग के कमेंट आ रहे थे कि भाई ये नोट 11T 5G स्मार्टफोन जो आया है Redmi नोट 10 प्रो के कंपेरिजन में मतलब कैसा है, वो लेना चाहिए या वो स्मार्टफोन को परचेज करना चाहिए। 17 से 18 हज़ार रुपये का बजट है, तो दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन बेटर है, आज की वीडियो में करेंगे यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन का कंपेरिजन। मैं आपको बताऊंगा कि दोनों में से आपके लिए कौन सा वैल्यू फॉर मनी रहे, आज की रेट में 4G लेना चाहिए 5G लेना चाहिए, कंप्लीट डिटेल यहां पर देने वाला हूं। तो कर देना वीडियो को लाइक, वीडियो का लाइक का टारगेट रखता हूं 3000 लाइक्स का, आई होप कि आप अब कर दोगे। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दो गाइस, आज की हमारी ये सेकंड वीडियो है। सुबह में हमने रियलमी के अपकमिंग ट्रू फ्लैगशिप स्मार्टफोन की वीडियो डाले थे, जो कि है रियलमी GT 2 प्रो। तो कंप्लीट डिटेल दिया हो, इंडिया में कब आ सकता है, क्या कुछ स्पेसिफिकेशन मिलेगा, नहीं देखे हो तो आई बटन में लिंक दे दूंगा। ये वीडियो देखने के बाद आप वीडियो को जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं भाई, रेडमी नोट 11T 5G स्मार्टफोन को परचेस करें या रेडमी नोट 10 प्रो 4G वाले स्मार्टफोन को परचेस करें। प्राइस पॉइंट की अगर हम बात करें तो 11T 5G एंड 10 प्रो दोनों का जो 628 वाला वेरिएंट जो है 18,000 रुपए का आपको देखने को मिलता है। हाँ, इनिशियल डेज में आपको ऑफर वगैरह मिलते हैं, वैसे नोट 10 प्रो भी आपको ऑफर में काफी चीप में मिल जाता है, लेकिन हम जो एक्चुअल प्राइस पॉइंट है प्रोडक्ट की उससे लेके कंपेयर करेंगे तो प्राइस पॉइंट आप पकड़ के चलो दोनों का आइडेंटिकल देखने को मिलता है 628 वाले वेरिएंट का। अब कंपैरिजन को स्टार्ट करते हम यहां पर दोनों स्मार्टफोन के बिल और डिजाइन से। तो 11T 5G में आपको बैक में ग्लॉसी टाइप का बैक पैनल है, दिखने में अच्छा है, लेकिन बैक जो आपको प्लास्टिक का मिलता है, जबकि नोट 10 प्रो में यहां पर आपको बैक आपको फ्रॉस्टेड टाइप का देखने को मिलता है, दिखने में फोन जबरदस्त है, बैक में यहां पर आपको ग्लास देखने को मिल जाता है। तो बिल्ड क्वालिटी इन हैंड फील की अगर हम बात करें तो नोट 10 प्रो बेटर है एज कंपेयर टू 11T 5G से। अब बात कर लेते हैं यहां पर दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले के बारे में, तो डिस्प्ले में दोनों में कंपैरिजन ही नहीं है, क्योंकि 11T 5G में आपको 90 हर्ट्ज वाला एक IPS डिस्प्ले मिलता है फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में, 6.6 इंच का डिस्प्ले है, जबकि अगर हम नोट 10 प्रो की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला एक AMOLED डिस्प्ले मिल जाता है 6.67 इंच का, एंड गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोडक्शन मिल जाती है, जबकि 11T में आपको गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोडक्शन मिलती है। तो अगर हम क्वालिटी की बात करें, रिफ्रेश रेट की बात करें या ग्लास प्रोटेक्शन की बात करें, तीनों पॉइंट में आपका 10 प्रो बेटर है एज कंपेयर टू 11T 5G से। रैम एंड रोम की अगर हम बात करें तो दोनों में यहां पर आपको 6GB 8GB अलग अलग आपको वेरियंट देखने को मिल जाते हैं, लेकिन कार्ड स्लॉट की अगर हम बात करें तो 11T 5G में आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिलता है, जबकि हम नोट 10 प्रो की बात करें तो वहां पर आपको ट्रिपल कार्ड स्लॉट मतलब डेडिकेटेड अलग से कार्ड स्लॉट देखने को मिल जाता है। तो यहां पर भी Note 10 Pro बेटर है, जबकि UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप एंड LPDDR 4X वाला RAM टाइप दोनों स्मार्टफोन पर सिमिलर देखने को मिल जाता है। परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको थोड़ा अलग देखने को मिलता है। 11T 5G में आपको Dimensity का 810 वाला 5G चिपसेट मिल जाता है, क्योंकि सिर्फ 6nm टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, जबकि 10 Pro की अगर हम बात करें तो वहां पर आपको Snapdragon का 732G वाला चिपसेट मिलता है, क्योंकि 8nm टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। तो डेफिनेटली अगर आप ये डिपार्टमेंट में देखोगे तो 11T 5G बेटर है, परफॉर्मेंस भी आपको बेटर देखने को मिल जाती है, 5G आपको देखने को मिल जा रहा है, साथ 5G के बैंड्स भी है, एफिशिएंसी भी बेटर है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 10 प्रो का जो 732G वाला चिपसेट है बेकार है, डीसेंट यहां पर परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड कराता है, स्टेबल है, लेकिन 5G नहीं है, ये चीज का आपको ध्यान रखना है। एंड आप बोल सकते हो 810 आपका स्लाइटली बेटर है, तो परफॉर्मेंस अगर आप सीधा सीधा देखते हो तो यहां पर 11T 5G बेटर है एज कंपेयर टू रेडमी नोट 10 प्रो। कैमरास की अगर हम बात करें तो 11T 5G में यहां पर आपको बैक में डुअल कैमरे का सेटअप मिलता है, 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है, देन 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है, जबकि अगर हम बात करें नोट 10 प्रो की तो यहां पर आपको बैक में क्वाड कैमरे का सेटअप मिलता है, 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है, देन 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है, जबकि 5 मेगापिक्सल का आपको जबरदस्त मैक्रो कैमरा मिल जाता है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिलता है। दोनों स्मार्टफोन में आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। अब कैमरा किसका बेटर रहेगा, नो डाउट यहां पर 10 प्रो का आपका बेटर रहेगा, चाहे प्राइमरी सेंसर की बात करो या आपका जो मैक्रो कैमरा जो नोट 10 सीरीज में आपको दिया गया है ना भाई, जबरदस्त है, देयर इज नो कंपैरिजन। वो प्राइस पॉइंट पर से बेटर मैक्रो कैमरा मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया में कोई भी ब्रांड प्रोवाइड करा रहा है। तो कैमरा भी अगर आपको ओवरऑल बेटर एक्सपीरियंस चाहिए तो नोट 10 प्रो आपका बेटर है एज कंपेयर टू 11T 5G से। एंड्रॉइड वर्जन एंड यूआई की अगर हम बात करें तो आउट ऑफ द बॉक्स दोनों स्मार्टफोन एंड्रॉइड 11 देखने को मिल जाता है, मी यूआई पे यहां पर ये रन करेगा, तो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस आपको ऑलमोस्ट सिमिलर रहने वाला है। सेंसर्स की अगर हम बात करें दोनों में ही आपको सारे सेंसर देखने को मिल जाते हैं, इंक्लूडिंग साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेस अनलॉक का फीचर, 3.5 हेडफोन जैक का सपोर्ट, डुअल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट एंड एयर ब्लास्टर का फीचर भी देखने को
मिल जाता है। बैटरी लाइफ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी आपको काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज देखने को मिल जाती है। 11T 5G में आपको 5000mAh बैटरी है, 33W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, जबकि नोट 10 प्रो की अगर हम बात करें 5020mAh की बैटरी है, 33W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। दोनों में 33W का फास्ट चार्जर आउट ऑफ द बॉक्स आपको देखने को मिलता है, तो बैटरी आप बोल सकते हो ऑलमोस्ट सिमिलर ही आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। अब बात आती है कि भाई 17,000 से 18,000 रुपए का बजट है, दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन को परचेज करें। तो मैं सीधा सीधा अगर आपको बोलूं तो मैं चलिए पहले आपको बता देता हूं कि भाई एग्जैक्टली में डिफरेंस क्या है। तो नोट 11T 5G क्या कुछ चीजों में बेटर है एज कम्पेयर टू 10 प्रो से, सिर्फ यहां पर आपको दो चीजें देखने को मिलती है। सबसे पहली चीज कि यहां पर आपको 5G देखने को मिल जाता है, एंड जो प्रोसेसर है डायमेंसिटी 810 वाला 5G, वो आप बोल सकते हो स्लाइटली बेटर परफॉर्म करके देगा एज कम्पेयर टू स्नैपड्रैगन 732G से। बस ये दो चीज अगर आपको अच्छी लगती है तो आप नोट 11T 5G के साथ में जा सकते हो। लेकिन अगर हम बात करें नोट 10 प्रो क्या क्या चीजों में आगे, तो सबसे पहले तो आपको ग्लास बैक देखने को मिल जाता है, डिस्प्ले में कंपैरिजन ही नहीं, नोट 10 प्रो का फार बेटर यहां पर आपको देखने को मिलता है, ट्रिपल कार्ड स्लॉट देखने को मिल जाता है, बेटर कैमरास यहां पर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछोगे भाई आपकी जगह मैं रहता तो कौन सा फोन लेता, डेफिनेटली मैं लेता Redmi Note 10 Pro 11T 5G। ओवरऑल देखा जाए तो ऑफर वगैरह के साथ में ठीक ठाक फोन है, लेकिन नोट 10 प्रो के साथ में कंपैरिजन नहीं है। सेम ब्रांड है, सेम प्राइस पॉइंट है, बट स्टिल 4G 5G में आप देख सकते हो कि 5G अगर ब्रांड प्रोवाइड कराता है तो कितना कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। अगर हम 4G देख रहे हैं तो 4G के साथ में कितने आपको बाकी के फीचर अच्छे देखने को मिल रहे हैं। तो मैं एक ही चीज रिकमेंड करूंगा, 5G के पीछे भागना बंद करो। अभी 5G कब आएगा, 2023 में आएगा, 24 में आएगा, किसको भी नहीं पता। 4G फोन लो, अच्छे से इस्तेमाल करो, पूरे फीचर इस्तेमाल करो, एंड अपने जितने भी पैसे आपने लगाए हो आप बोल सकते हो उसका आप वसूल करो। तो गाइस ये था मेरा ऑनेस्ट कंपैरिजन बिटवीन दिस टू स्मार्टफोन। वैसे मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपके हिसाब से दोनों में से बेटर स्मार्टफोन कौन सा है, कि दोनों में से आप कौन से डिवाइस को मतलब परचेस करने की सोचे हो। ओवरऑल जो भी आपका ओवरऑल यहां पर ऑनेस्ट ओपिनियन है मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। आई होप कि हम सबको पसंद नहीं होगी, एंड कैसा कर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अगली किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।